एक बार फिर से YouTube चैनल के दर्शकों के लिए मैंने यहां से रिकॉर्डिंग करनी शुरू हो गई कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 109 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है पटना की टीम। उनका कुल योग है 61, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये कुल 12वां ओवर डाला जा रहा है। दूसरे रन के लिए दौड़ लगा चुके हैं पटना के बल्लेबाज और इन दो रनों की मदद से टीम की कुल रन संख्या चली गई 53। रनों की कुल संख्या चली गई इन दो रनों की मदद से 63, 3 विकेट के नुकसान पर, जीतने के लिए कुल 109 रन बनाने हैं पटना की टीम को। बावन गेंदों में 45 रन बनाने की आवश्यकता पटना चेस कर रही है। आप देख रहे हैं अनिल चंद्र चेल T20 का मुकाबला पटना बनाम सुपौल का दूसरा सेमीफाइनल। सामने वाले इन की तरफ से राजीव, अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई थी, थोड़ी देर हवा में मौका था राजीव के पास कैच को लपकने का। राजीव की गेंद हवा में और यहां पर चूक हुई, क्षेत्ररक्षकों से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो आता विकेट कीपर के दास्तानों में। दोनों बल्लेबाजों ने दो रन दौड़ कर ले लिए, तो इन दो रनों की मदद से पटना टीम का कुल योग चला गया 67 रन 3 विकेट के पतन के पश्चात। तो ये गेंद बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैट लगती हुई, रन यहां पे निकला नहीं। 48 गेंदें यहां से बची हैं और 42 रनों की आवश्यकता, 6 का अंतर अब यहां पे बचा है। तो ये लाजवाब टूर्नामेंट में फिर से YouTube चैनल के दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। YouTube चैनल पर देखिए, ये दर्शक सिंगियावन के हैं और सिंगियावन सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ने वाला एक क्षेत्र, बिल्कुल ग्रामीण इलाका लेकिन मजबूत इलाका, जबरदस्त भीड़ यहां पर मौजूद। आज लगभग 20,000 की संख्या में दर्शक आए हैं। हल्की सी थोड़ी सी फ्लाइट दी थी, हल्की फ्लाइट बीट कराया यहां पर मुकेश। फिर की गेंदबाज है, हल्के हाथों से खेलेंगे ये शॉट, एक रन और सिंगल के जरिए 43 गेंदों में 40 रन अब चाहिए पटना की टीम को जीतने के लिए। मुकेश बयालीस गेंद और राजीव और रजनीश आपस में काफी खेले हुए हैं, एक दूसरे के खेल को जानते हैं, इसलिए उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट भी उसी मुताबिक किया है। राजीव राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, माफ करेंगे जी, राउंड द विकेट। हल्के हाथों से एक रन और लिया है और 70 रन अब तक बने हैं पटना टीम के, 3 विकेट का नुकसान हुआ है और अब भी जीतने के लिए यहां से उन्हें 39 रनों की आवश्यकता। राजीव राइट आर्म ओवर द विकेट, एक लंबा शॉट ऊंचा उठा है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है और इसी के साथ यहां पर झटका लगता हुआ, दर्शकों के उत्साह को आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, चौथा विकेट गिरता हुआ पटना टीम। सफलता अगर यहां पर सुपौल के गेंदबाज ले पाते हैं, दिला पाते हैं अपनी टीम को, तो वो दबाव खासा बनाने में सहायक सिद्ध होगी और इस विकेट के गिरने के पश्चात पटना की टीम को अब थोड़े से अपने कदम होशियारी से आगे बढ़ाने होंगे। राजीव रजनीश के लिए अब 39 गेंद, 39 गेंदों में 39 रन बनाने की आवश्यकता पटना की टीम, 39 रन अब बढ़ गए। मैं बता रहा हूं, ऊपर से एक रिदम टूट जाता है प्लीज, तो अब 38 गेंदों में 39 और YouTube चैनल के लिए भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो प्लीज, तो 38
गेंदें बची हैं 39 रन बनाने हैं जीतने के लिए। और YouTube चैनल के जितने दर्शक प्यारे दर्शक हैं, ये बड़ा ही शानदार आयोजन यहाँ पे सिंघिया वन के अंदर किया गया है, जिसका लुत्फ लेने के लिए कम से कम 20,000 की संख्या में दर्शक मौजूद हैं हमारे YouTube चैनल पर। आप देख सकते हैं इन दर्शकों की, राजीव की गेंद, दर्शकों की शोर के बीच एक रन लेना चाहते थे, लेकिन एक और डॉट बॉल यहाँ पर, इसे अन्यथा नहीं लेंगे। राजीव रजनीश के लिए क्या गैदरिंग हो रही है, लाजवाब गैदरिंग कर रहे हैं आकाश भारद्वाज। इस ओवर में मात्र राजीव ने एक रन खर्च किए, इनकी शानदार गेंदबाजी पर बजाइए जोरदार तालियां। लंबा शॉट, और यहां पर क्या ये कैच छूटा या मैच छूटा, एक आसान सा कैच ड्रॉप किया है, एक आसान सा कैच उनके हाथों से छूटता हुआ, खुद से बहुत ही निराश होंगे, लेकिन ये मैच का हिस्सा होता है, विश्व जीत है। जी बिल्कुल, मुकेश के सामने अब बल्लेबाजी कर रहे हैं कुंदन शर्मा, जबरदस्त भीड़ के बीच मुकेश हल्के हाथों से खेला एक डॉट बॉल, और एक लंबा छक्का निकाल दिया है कुंदन शर्मा के बल्ले से, ये बिल्कुल खेत की तरफ जाती हुई, लगभग 75 मीटर का ये लंबा छक्का, इस छक्के ने मामले को थोड़ा सा करीब कर दिया है। तो कुंदन शर्मा के इस छक्के ने काफी अंतर को अब कम किया है, 30 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में, 29 रन बनाने की आवश्यकता, और हाथों में पटना के विकेट सबसे बड़ी बात है, उनके पास अभी 6 विकेट शेष हैं, ये बड़ी बात। आप देख रहे हैं सिंघिया वन के अंदर अनिल चंद्र चेल ट्रस्ट मेमोरियल T20 टूर्नामेंट का आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पटना बनाम सुपौल के बीच। सुपौल की टीम ने कुल 108 रन बनाए, पटना के समक्ष जीत के लिए लक्ष्य रखा 109 रनों का, और अभी बहरहाल पटना टीम का कुल योग है 4 विकेट के नुकसान पर 80 रन। एंड की तरफ से कुंदन शर्मा के लिए लंबी गेंद, बहुत ऊंचा शॉट, आज ये गेंद गिरने नहीं वाली है, और पिछले छक्के के रिकॉर्ड को तोड़ा है, महबूब आलम से भी लंबा छक्का जमा दिया है। दर्शकों में थोड़ी सी खामोशी, और यहां पर राजीव की गेंद के वो सामने की दिशा में कवर से एरिया में राजेश सिंह मौजूद हैं, एक रन लिया, और इस एक रन के जरिए 27 गेंदों में अब जीतने के लिए मात्र 21 रनों की आवश्यकता पटना की टीम को। थोड़ा सा मामला यहां पर पटना के पक्ष में गया है, और ये सिंगल लेने का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक लाजवाब शॉट, किसी भी क्षेत्ररक्षक के लिए कोई मौका नहीं, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए गेंद को पहुंचा दिया कुंदन शर्मा ने। 25 गेंदें 16 रन पटना को चाहिए अब जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए। ये देखिए चौके छक्कों पर ये परफॉर्मेंस चलता हुआ यहां पर, कुंदन शर्मा ने इस गेंद को खेला है फाइनल की दिशा में, एक रन के लिए जा रहे हैं, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन सामने से बल्लेबाज ने मना किया कि चलो कोई ग्रीन वैली के बच्चे 10 बजे नाश्ता आदि करके मैदान पर। तो 13 रनों पर रजनीश बल्लेबाजी कर रहे, कुंदन शर्मा खेल रहे हैं 20 रनों पर, जीतने के लिए 15 रनों की और आवश्यकता। विपुल कृष्णा और इस बॉल को पूरे तरीके से बल्ले पर ले नहीं पाए, नहीं तो एक लंबा शॉट कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से निकलता हुआ दिखाई देता। अब जीतने के लिए 23 गेंदों में पटना की टीम को चाहिए 15 रन। सामने कुंदन शर्मा और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बिहार रणजी प्लेयर कुमार रजनीश, दो बड़े खिलाड़ी, विपुल शर्मा भी रणजी प्लेयर, एक सीध में सारे अच्छे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। यहां पर भाग्यशाली रहे कुंदन शर्मा की गेंद विकेटों की तरफ नहीं थी, नहीं तो उन्हें वापस पवेलियन लौट जाना। तो बड़ा रोचक होने वाला है यह मुकाबला। विपुल कृष्णा राइट आर्म माफ करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, गेंद हवा में गई है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर राजेश सिंह ने इस कैच को लपका है, मैच में एक और मोड़ आता हुआ कुंदन शर्मा वापस पवेलियन की तरफ रुख कर चुके हैं।
तो सामने वाले एंड की तरफ से एक बार फिर से विश्वजीत एरोन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस ओवर को मेडन डाले और अपनी जो टीम है उसे पटरी पर फिर से डाल दें, जीत की तरफ ले आए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं क्योंकि दो दिग्गज बल्लेबाज पिच पर, हालांकि कुंदन शर्मा आउट होकर वापस से पवेलियन चले गए हैं, लेकिन एक बड़े बल्लेबाज रजनीश और उनका साथ निभाने के लिए आए हैं विनीत कुमार सिंह। 18 गेंदे 10 रन, विश्वजीत एरोन राइट आर्म ओवर द विकेट। विनीत के लिए अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेला है और यहां पर रजनीश काफी बाहर निकल आए थे। और बोल ने यहां पर डंडा बिखेर दिया है, विश्वजीत को एक और सफलता मिली है, लाजवाब गेंदबाजी विश्वजीत की। तो अब उम्मीदें कुछ बलवती हो गई हैं सुपौल की। आउट होने वाले बल्लेबाज विनीत यॉर्क कराया उन्हें और विनीत वापस अपने पेवेलियन की तरफ चलने शुरू हो गए। एक अच्छी सफलता, विश्वजीत एरोन ने शानदार गेंदबाजी करके अपनी टीम को जीत की पटरी की तरफ लौटाने की कोशिश की है। तो 99 के योग पर सुपौल की टीम को भी झटका लगा था और 99 का झटका जोर से, धीरे का झटका जोर से लग गया पटना की टीम को भी। तो छठा विकेट गिरा है और नए बल्लेबाज का नाम मुझे टीम के बहुत अच्छे गेंदबाज गौरव अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर, उनके कंधों पर। और 16 गेंदे 10 रन, विश्वजीत राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंदलिंग और यहां पर रन आउट करने की कोशिश, अच्छा थ्रो करते तो निश्चित तौर पर रन आउट होते। और इसी के साथ 100 रन पूरे वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, कुल 101 रन। 18वां ओवर डाला जा रहा है और जीतने के लिए मात्र पटना की टीम को चाहिए 8 रन। एक और रन पटना के खाते में जाता हुआ, जीतने के लिए अब कुल 7 रनों की आवश्यकता। ढेर सारी गेंदें बची हुई हैं, 7 रनों की आवश्यकता बाकी बची कुल 15 गेंदों में। विश्वजीत गौरव के लिए और अचानक कॉक कर गई थी गेंद। देखिए मैं सारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा एक बार, चीखिए मैं दिखा रहा हूं आपको YouTube चैनल पर, जोरदार एक बार शोर मचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। 14 गेंद 7 रन, विश्वजीत एरोन सामने वाले छोर की तरफ से एक बार फिर से ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, सीमा रेखा के पार चली गई। अब पटना की टीम को जीतने के लिए मात्र 3 रन ही चाहिए। दर्शक जाने शुरू हो गए हैं, जो सपोर्टर थे स्थानीय सपोर्टर सुपौल के वो अब घर लौटने शुरू हो। 3 रन विश्वजीत गौरव के लिए और इसी के साथ व्हाइट का इशारा अंपायर रवि कुमार का आता हुआ और अब जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता है। और अब 12 गेंदों में जीतने के लिए पटना को चाहिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता। मुकाबले में मात्र अब कुछ औपचारिकताएं बची हुई हैं। कुमार रजनीश कब लगाते हैं और यहां पर छक्के के साथ कुमार रजनीश ने अपनी टीम को जीत दिला दी और इस मुकाबले को जीतकर पटना की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। और ये देखिए चारों तरफ, चारों मैं दिखा रहा हूं कितनी संख्या में दर्शक यहां पर आए हैं, काफी हुजूम इकट्ठा है यहां पर। और ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, लाजवाब दर्शक यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है और यहां पर बच्चों की भीड़ आप देख सकते हैं। और चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं पीएन शेखर आपसे। मेरे साथ स्कोरर दीपक है और साथ में चंदन है। ये बताइए कि कितने रन बनाने थे आज जीतने के लिए? 109 रन चाहिए थे जो कि पटना की टीम ने 19.2 ओवर में 18.2 ओवर में 113 रन बनाए, लास्ट में छक्का मार के उन्होंने जीत 4 विकेट। चलिए आपकी नजर में कौन यहाँ मैन ऑफ द मैच के हकदार है, कुछ देखिए बता सकते हैं तो मैं ये बता दूं, तब तक आप देखिए। ये देखिए चारों तरफ मैदान का नजारा, क्या भीड़ इकट्ठी होती है यहाँ पर।
मैच पटना और धनबाद के बीच, मतलब धीरज बिहार और झारखंड के बीच। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।